कि खुल नहीं रहा था क्लिप। जो भी हो, हरे कृष्णा। मैं निहारिका आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल में, पॉजिटिविटी विद निहारिका में। आज है शनिवार, तो वीकेंड का स्टार्ट हो गया है। हैप्पी वीकेंड टू ऑल। और आज मेरे बेटे का स्कूल में पिकनिक है, स्कूल का पिकनिक है, तो वो लोग निकल गए हैं पिकनिक के लिए। दोपहर में आएगा, लेकिन उसके बाद ही घर पे नहीं आएगा, उधर से वो डायरेक्ट अपनी प्रैक्टिस में चला जाएगा। तो मैं उसको ड्रॉप करके आके थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि मुझे भी छुट्टी मूड में मैं चली गई थी। तो फिर मुझे एक महापुरुष की वाणी याद आया, किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर तुम सोते रहोगे तो तुम्हारा भाग भी सोता रहेगा। तो मैं जल्दी से वो बात मेरे जहन पे आई और मैं उठ बैठी और लग गई हूँ काम पे। अभी काम मैं सुबह वाली ख़त्म करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी कुछ अच्छा सा, बेटा शाम को खाएगा, लेकिन मैं शायद दोपहर को खाऊंगी। तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी मैं क्या बनाती हूँ, कुछ अच्छा सा ही बनाऊंगी ना। तो चलिए मैं चलती हूँ, थोड़ा सा काम वाम करती हूँ, उसके बाद किचन पे जाती हूँ और बनाती हूँ कुछ टेस्टी सा। शर्व धर्मान परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज, अहंतां शर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी प्रकार की धर्मानुष्ठान का परित्याग करके तुम मेरे शरण में आओ तो मैं तुमको सभी प्रकार पाप से मुक्त करूँगा, तुम्हारा कोई डर नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर कोई इंसान भगवान की चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करता है तो भगवान उसको सभी प्रकार विपत्ति से दूर करते हैं और उसका सर्वदा कल्याण करते हैं। जैसा ठेकुआ पहले खा लेते हैं उसके बाद काम। साउथ इंडियन खाने में बड़े खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उसमें आता है सबसे पहला नाम, वो है मेंदू बड़े। लेकिन मेंदू बड़े से भी अलग तरह के एक बड़े बनते हैं साउथ में, वो है ये मधुर बड़े। इसको कहते हैं मधुर बड़े, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही क्रंची होता है। और जो लोग साउथ से हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, साउथ से ना भी हुए तब भी मधुर बड़े को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सर्दियों के मौसम में एक कप दूध वाली चाय और साथ में ये मधुर बड़े। किस तरह से मैंने बनाया ये मधुर बड़े, चलिए देख लेते हैं। मधुर बड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 कप चावल का आटा यानी राइस फ्लोर। ये फाइन पाउडर जो होता है चावल का आटे का, वो मैंने लिया है। और साथ में मैंने लिया है 1/2 कप से थोड़ा कम रावा यानी सूजी। और साथ में यहाँ पे है मेरे पास 2 प्याज चॉप किया हुआ, थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ, ग्रीन चिली और कारी पत्ता, सब कुछ मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और अभी मैं इसको दे दूंगी मेरे राइस फ्लोर में और अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। कोई भी पानी या नमक अभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्याज है, अगर नमक देंगे तो पानी छोड़ देगा। तो इसी स्टेज में इसे अच्छी तरह से इस तरह से हाथों के मदद से मिक्स कर लेना है। कढ़ाई गरम बिठाया है और उसमें दिया है तेल, और उसी गरम तेल को मैं अभी दे दूंगी इस राइस फ्लोर के मिक्सर में। और गरम है तो हाथ मत दीजिएगा, इस तरह से करछी के मदद से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद मैंने दिया है नमक स्वाद अनुसार, तो मैंने 1 चम्मच नमक दिया है एज़ पर द प्रोपोर्शन। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिस तरह से हम पूरी के लिए मोयन देते हैं आटे में उसी तरह से। और पानी दे दे के हमको इसको एक डो के शेप में लाना है, लेकिन पानी एक साथ मत दीजिएगा, रोटी बेलने के जैसे उस तरह से पानी मत दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से दीजिएगा, ताकि डो जो है वो ज़्यादा सख्त भी ना हो, ज़्यादा नरम भी ना हो। तो इस तरह से मेरा डो रेडी हो गया है। अभी मैं इससे इस तरह से बड़े के शेप में लेके हाथों से प्रेस कर रही हूँ, और ये जितना हो सके हाथ से प्रेस करना चाहिए ताकि थोड़ा पतला हो। तो इस तरह से रेडी हो गए हैं सारे जो बड़े। अभी मैं इसको तलूँगी। बड़े थोड़ा सा
क्रैक हो सकता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि चावल का आटा है तो थोड़ा सा क्रैक होगा। नॉर्मल सा वाइट ऑयल मैंने गरम किया है और उसमें मैं बड़े को तलने के लिए दे रही हूँ। एक एक साइड मैंने 5-6 मिनट तेल में रखा और उसके बाद फ्लिप किया है। गैस की जो तेज है वो धीमी पे रखिएगा, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो इस तरह से 5-6 मिनट 7 मिनट तक ये तलना पड़ता है एक एक साइड। तो रेडी हो गया मेरा मधुर बड़े। लंच लेके बैठी हूँ मैं और मेरे लंच पे है एक खास ये पत्ता गोभी की तारी वाली सब्जी। कैसे बनाया बनाना चाहते हैं तो मेरे रेसिपी देख लीजिए। देख लीजिए मधुर बड़े तलने के बाद तेल रह गया था तो उस पर मैंने दिया है वाटर सोक, पानी में भिगोया हुआ सोया बोड़ी, और उसमें दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक ताकि उसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए और सॉल्ट से थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाए उस पर। और इसको 3-4 मिनट फ्राई करके मैंने निकाल दिया है। उसी तेल में मैंने दिया है कट किया हुआ आलू। मैंने यहाँ पे लंबे करके आलू को कट किया है, आप अपने हिसाब से किस तरह से आपको चाहिए उस तरह से कट कीजिएगा, पूरा का पूरा आपके मर्जी के ऊपर है। थोड़ा सा हल्दी और नमक दे के कवर करके रख दिया था ताकि फ्राई होते वक्त आलू थोड़ा सा नरम हो जाए। आलू नरम हो गया है, मैंने उसको अच्छे से फ्राई करके निकाल दिया है। उसी तेल पे मैंने दे दिया है ये पत्ता गोभी का पीसेस। पत्ता गोभी को मैंने बड़ा बड़ा करके कट किया है और 3-4 मिनट इसको भुनने के बाद मैंने निकाल दिया है। और थोड़ा सा तेल मैंने और दिया है कढ़ाई पे क्योंकि तेल सोप हो गया था। उसमें दिया है 2 सूखा लाल मिर्च, साथ में 5 फोरन क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसमें है कट किया हुआ प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक जो बेसिक होता है, बस इसे अच्छे से अभी मिक्स करना है। थोड़ा पानी मैं दे रही हूँ ताकि मसाला जो है वो ना जले। अच्छे से 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं दे दूंगी इस पे आलू। और आलू देने के बाद ज़्यादातर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू जो है वो ऑलरेडी फ्राइड है। उस पे मैंने दे दिया है पानी, आपको कितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी दीजिएगा। और उसमें पत्ता गोभी भी मैंने दे दिया है और इसको थोड़ा सा कवर करके रख दूँगी। 5-6 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ कवर हटा के कि सभी चीज़ अच्छे से नरम हुआ कि नहीं। अभी मैं इस पे दे दूंगी जो सोया बोड़ी था वो, साथ में धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। बस रेडी हो गया है ये टेस्टी सा पत्ता गोभी का तारी वाला सब्जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। शाम को प्रैक्टिस से आने के बाद मैंने मेरे बेटे को ये मधुर बड़ा दिया तो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। बच्चे को दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आता है बच्चे लोगों को। और साउथ इंडियन स्नैक्स मीन्स हिट स्नैक्स रेसिपी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं निहारिका मिलूंगी आप लोगों से फिर से कल एक नया वाला वीडियो लेके, नया रेसिपी लेके। टिल देन हरे कृष्णा टू ऑल।